नमस्कार, आप देख रहे हैं सीहोर 24 न्यूज। मैं हूं विमल। आइए बात करते हैं आज सीहोर जिले की प्रमुख खबरों की। आज सीहोर के मंडी थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित प्रेम नगर कॉलोनी में रात्रि में चोरों ने आतंक मचा दिया। घरों के दरवाजों के ताले तोड़कर अलग अलग जगहों से 5 बाइक की चोरी कर ली। प्रेम नगर कॉलोनी निवासियों ने बताया है कि आए दिन चोरियां होती हैं। हमारी कॉलोनियां में भी चोरियां रात्रि में चोरों की टोली के द्वारा हमारे यहां से बाइकें चुरा ली जाती हैं। इसकी शिकायत हमने कई बार मंडी थाने में दर्ज भी कराई है। उनका आरोप है कि रात्रि गश्त ठीक ढंग से नहीं होता है, शायद इसी की वजह से कॉलोनियों में चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। जब इस मामले में हमने एडिशनल एसपी समीर यादव से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि जल्द ही इस पूरे घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। आज सीहोर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने एक प्रेस वार्ता करते हुए पत्रकारों को बताया कि प्रदेश में हुई अतिवृष्टि से जो नुकसान हुआ है उसके मुआवजे के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को 1,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की है, लेकिन प्रदेश सरकार ने किसानों को 1 रुपए की राहत राशि भी नहीं दी है। और राज्य सरकार को आड़े हाथे लेते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर देखिए, मामला लोकसभा के जो समिति है उसके अंतर विचाराधीन है और मामला उठाया गया है निसंदेह रूप से एक साध्वी का अपमान है। ये अपमान इस देश की न्याय व्यवस्था का है, ये अपमान एक महिला का है, ये अपमान एक सांसद का है। जवाब तो उनको देना पड़ेगा। पहले संसद की समिति जिस प्रकार की ये इस बारे में विचार कर रही है उसकी रिपोर्ट आ जाए, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी भी अपनी रुख स्पष्ट कर देगी। सर, जिस तरह से इस तरह हम तो कह रहे हैं किसान बचाओ, खेती बचाओ, अपने जिम्मेदारी निभाओ, नहीं निभा सकते तो सत्ता से भाग जाओ, कम से कम मध्य प्रदेश को बख्श दो। जहां जहां ये रहते हैं वहां वहां लगातार इस प्रकार के कारनामे इनके उजागर होते हैं। ये बड़ी बड़ी बातें करना बंद करिए। 2019 और आता हुआ 2020 का मध्य प्रदेश है, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। आप गुमराह करना बंद करिए। किसानों की गुनहगार सरकार केवल और केवल कांग्रेस करप्शन में व्यस्त है, कुशासन में व्यस्त है और अपना जेब भरो बस। कांग्रेस सरकार को कतई किसी तौर पर भी किसान की, युवा की, महिला की परवाह नहीं है। क्या लगता है सर, फ्लॉप शो साबित होगा ये भारत बचाओ आंदोलन? देखिए, वो तो फ्लॉप शो पहले से ही है। उनका नेतृत्व तो फ्लॉप है, उनका शो फ्लॉप है और वो स्वयं पार्टी फ्लॉप है। वो सबके सामने उजागर हो गई है, न शासन में, न विपक्ष में और न पार्टी के तौर पर। जनसेवा देशभक्त नारा देने वाली पुलिस ने 3 दिन बाद भी नहीं की FIR दर्ज। ठगी का शिकार हुई ग्रामीण महिलाएं पहुंची थाने। नरसुल्लागंज क्षेत्र में ठगी का एक अलग ही मामला सामने आया है, जिसमें नरसुल्लागंज नगर तहसील के ग्राम बोरखेड़ा कलावा पांचोर में महिलाओं के द्वारा ग्रामीण महिलाओं को ठगी का शिकार बनाया, जिसमें ग्रामीण महिलाओं को लालच देकर उनके सोने चांदी के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। जब मामला थाने पहुंचा, जहां 3 दिन बाद भी नरसुल्लागंज थाने में मामला दर्ज नहीं किया गया, ग्रामीण महिलाएं थाने के चक्कर काटने को मजबूर हैं। वहीं ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि हमें आभूषण के डिजाइन के फोटो खींचकर कंपनी को भेजने और कंपनी से कमीशन दिलाने का कहकर सोने चांदी के आभूषण लिए हैं। वहीं एक दो महिला को अच्छे डिजाइन के नाम पर 1,000 से 1,500 रुपए भी दिए देखकर ग्रामीण महिलाओं में लालच आ गया और ग्रामीण महिलाओं ने उनके पास रखे कीमती जेवर भी उन महिलाओं को दे दिए, जिन्हें लेकर आरोपी महिला फरार हो गई। इस तरह नरसुल्लागंज क्षेत्र में 2 दर्जन से अधिक महिलाएं ठगी का शिकार हुई हैं, जिसमें आरोपी महिलाओं ने 5 से 6 लाख के गहने लेकर फरार हो गई है। ठगी के शिकार महिलाओं ने अपने परिजनों को सारी बात बताई। परिजनों को ठगी का एहसास होते ही थाना नरसुल्लागंज पहुंचकर इस संबंध में थाना प्रभारी को अवगत कराया, लेकिन आज 3 दिन बीत जाने के बाद भी FIR दर्ज नहीं की गई। बदला देगा तुमको वापिस और तुमको पैसा दे दूंगा और पूरी रकम ले गई और फिर आई। इसके बाद वो लौट के नहीं आई। अब आपने क्या करा फिर आगे? उसकी रिपोर्ट हम थाने में आया, उसकी रिपोर्ट डाले। उसको पहचानते हो आप लोग? पहचानते हैं, फोटो जैसे अगर मिल जाती है तो अपन पहचान लेंगे। हाँ, पहचान लेंगे। हमने फोटो का शूज का वीडियो बनाया। अच्छा, वीडियो बना। हाँ। वही हम ये सोच रहे हैं कि हमारे साथ जो धोखा हो वो आगे मतलब किसी के घर में ना हो, जो अपनी रकम गई हो तो दूसरे की ना जाए। तुम दे दो, हम तुमको 3 बजे वापस ला देंगे। और कितने लोगों की यहाँ से ले गए? सर, लेकिन आधे बता नहीं रहे हैं कि आधी रकम है कि नहीं है, और जो हमारी तो गई तो हमने बताई और हमने आगे कार्रवाई शुरू करी थी, तो आके दूसरा गांव करवा देना। जी, आपने अभी मेरी जानकारी में लाए हैं, मैं थाने से इसके संबंध में जानकारी लेता हूँ कि क्या प्रकरण है और यदि प्रकरण में इस प्रकार से कोई भी गैर कानूनी कार्य हुआ है तो उसमें निश्चित रूप से कार्रवाई होगी।
और जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होगी। आज सीहोर में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि पंचायत चुनाव का आरक्षण करने वालों को तथा कथित बताकर कहा कि बिना सीएम से चर्चा किए कोई भी निर्णय नहीं लिया सकता, किसी को भी खिल्ली उड़ाने का अधिकार नहीं है, प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी तब आरक्षण की तिथि घोषित की जाएगी। पंचायत राशि के विकास के लिए दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई जारी रहेगी। ये पूरा बयान उन्होंने सीहोर के सेखड़ाखेड़ी बाईपास पर दिया जब वह सीहोर से आष्टा की ओर जा रहे थे। तो उनको जिम्मेदारी से अलग कर दिया गया है। ये सब पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं और ये निर्णय आरक्षण प्रक्रिया का, ये आरक्षण प्रक्रिया होनी चाहिए तो होगा ही, ये तो प्रोसेस में है। अभी तो मतदाता पुनरीक्षण सूची बन रही है और जब वो तैयार हो जाएगा तो आरक्षण की प्रक्रिया भी होगी। पर बिना चर्चा किए अगर कोई निर्णय लेता है बिना विभागीय मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो ये संवैधानिक जो व्यवस्था है उसकी खिल्ली उड़ाने का किसी को अधिकार नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आरक्षण प्रक्रिया भी होगी और जो राज्य निर्वाचन आयोग है पंचायतों का चुनाव भी कराएगा। चुनाव आयोग को है, जब तैयारी हो जाएगी उनका काम है और सारी जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है उसके तहत। सीहोर जिले के अहमदपुर में पचोरी फ्यूल सेंटर लायंस पेट्रोल पंप में 2/11/2019 से पंप उत्सव की ड्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें 2500 रुपए का डीजल और 500 रुपए का पेट्रोल उपभोक्ता द्वारा लेने पर उसे एक कूपन दिया जा रहा था, जिसमें क्षेत्रवासियों ने अपने भाग्य को आजमाने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिसका एक माह बाद 2 दिसंबर को कूपन का लकी ड्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सारे कूपन को एकत्रित कर एक नन्ही बालिका से कूपन को उठवाया गया, जिसमें प्रथम स्थान में 24 इंच एलईडी टीवी, द्वितीय स्थान पर एंड्रॉइड मोबाइल और तृतीय स्थान पर मिक्सर ग्राइंडर एवं अन्य 10 विजेताओं के लिए लंच बॉक्स वितरित किए गए। हमारी और भी तरोताजा खबरें देखने के लिए आप हमें YouTube पर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रोजाना की तरोताजा खबरें हम आप तक पहुँचा सकें।